कार्यालय में सभी एडमिट कार्ड को जलाया जा रहा है पूर्वी चंपारण जिला में और परीक्षा का बहिष्कार हो रहा है यहाँ पे। पूर्वी चंपारण जिला हमेशा आगे रहा है क्रांतिकारी साथियों के द्वारा पूरे पूर्वी चंपारण में। आपका एडमिट कार्ड जलाने के लिए दिए हैं, मैं उनको तहे दिल से स्वागत करता हूँ और साथ इसी तरह स्वच्छता परीक्षा का बहिष्कार जारी रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। देख लीजिए भाई, स्वच्छता परीक्षा का एडमिट कार्ड सभी शिक्षकों ने स्वेच्छा से साक्षात्कार परीक्षा का एडमिट कार्ड चलाने का काम किया जा रहा है। इसलिए पूरे बिहार के तमाम शिक्षकों से मेरा अपील है, एडमिट कार्ड प्राप्त करके और एडमिट कार्ड के आग के हवाले करने का काम करें। जब तक हमारा बिना शर्त राज्यकर्मी का दर्जा ऐच्छिक स्थानांतरण प्राप्त होने तक यह आंदोलन जारी रहेगा। ऐसे तमाम बिहार के तमाम नौजवान साथियों से, शिक्षक भाइयों बहनों से अपील है कि एडमिट कार्ड अगर भूल से अगर ले लिए हैं तो अपने विद्यालय में डीओ कार्यालय बीआरसी स्तर पर जलाकर आग के हवाले कीजिए और सरकार को ईंट से ईंट बजा देंगे। जब तक हमारा मांग पूरा नहीं होगा यह आंदोलन जारी रहेगा। अब इतना ही कहकर बिहार शिक्षक एकता मंच के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय शिक्षकों से अपील है कि इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद। आवाज दो हम एक है, आवाज दो हम एक है, जो हमसे टकराएगा जो शिक्षक अगर भूल चूक से अगर एडमिट कार्ड लेकर घर जाएंगे और परीक्षा के सेंटर पर जाएंगे वो अपना चलाकी छोड़ देंगे। इसलिए शिक्षक के क्रांतिकारी नेताओं के लास्ट पर यह परीक्षा होगी, लेकिन यह परीक्षा हम कतई होने नहीं देंगे। अजाक जी, पटना जो भी सेंटर पर अगर कोई कैंडिडेट परीक्षा देने जाता है तो वहाँ पे उन लोगों को घेरने का काम किया जाएगा? उनको घर से और रूम से और होटल से निकलने नहीं देंगे। पूरा पटना शिक्षकों के लिए पाट देंगे और परीक्षा नहीं होने देंगे। हमारे टोटल शिक्षक परीक्षा का बहिष्कार करें और एडमिट कार्ड अपने घर परिवार में जाकर विद्यालय स्तर पर प्रखंड स्तर पर जलाने का काम करें। और पदाधिकारी आज आया है कल चल जाएगा और चलाकी से पदाधिकारियों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत हम लोगों को पीठ में खंजर भोंकने का काम कर रहे हैं। तो आंदोलन के बाद वैसे पदाधिकारी को खंजर भोंकने का काम मैं सीना में करूंगा।